कोरोना के संकट दौर में डॉक्टरों के भी पसीने छूट रहे हैं। बेगूसराय सदर अस्पताल के डॉक्टर इन दिनों मरीजों के रवैये से त्राहिमाम कर रहे हैं। दरअसल सदर अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 50 बेड हैं। अस्पताल अधीक्षक की माने तो फिलहाल 74 मरीजों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन इनमें से 14 से लेकर 16 ऐसे मरीज हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 92 से 94 है, लेकिन वो किसी भी सूरत में घर जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे गंभीर मरीजों को उचित इलाज देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आनंद शर्मा ने डीएम से मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने की मांग की है, और मजिस्ट्रेट ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज भी कराया जाए जो होम आइसोलेशन में रहने के लायक हैं। यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ सब क्रिटिकल केस के लिए रखा गया, अब हमारे यहाँ जो कुछ ऐसे पेशेंट है जो कि इनका 97% 95 और 96 वो नहीं जा रहे हैं, उनको नाम काट दो, कहते हैं गारंटी लीजिए अगर नहीं लिया, ये हम कैसे कह सकते हैं कि आप जाए कि आपका गारंटी भाई यहाँ से निकलेगा तो कुछ आपको कुछ होगा ही नहीं, ये कहना तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है। इसलिए हमने सरकार अभी इनको हमारे अपने जिला पदाधिकारी से अनुरोध भी किया है कि एक मजिस्ट्रेट की यहाँ पोस्टिंग कर दी जाए जो कि वो देखेगा कि पेशेंट निकलता है या अटेंडेंट अंदर घुसता है। हम लोग का अटेंडेंट भी आप देखिएगा कि घुस जाते हैं, कोई नहीं सुनते हैं, तो इस तरह का कम से कम वो करेगा कि हम एक मजिस्ट्रेट रहेगा तो वो ज़्यादा उनका बात वो सुनेंगे। 50 बेड का इंक्लूडिंग ICU, ठीक है, अभी हमारा कैपेसिटी है तो हम हमारे यहाँ भर्ती अभी तत्काल में भर्ती है 74 पेशेंट भर्ती है, और हमारे पास स्मॉल सिलेंडर है 35, बाकी सब सेंट्रल लाइन सप्लाई पर है। तो बजाय छोटा सिलेंडर तो हम लोग को रोटेशन में एक आदमी जो छोटा सिलेंडर पर रहता है उसको 4 से 5 सिलेंडर चाहिए एक दिन में, तो हमारा जो है जो हमको जैसे ऑक्सीजन भराने में भी दिक्कत होती है, परंतु अब जैसे कि हमारा ऑक्सीजन रात में भी भरा जाता है तो इसी अच्छा रहता है क्योंकि हम लोग को उतना मिलता नहीं है, तो इससे ऑक्सीजन का कभी कभी किल्लत हो जाता है, कुछ समय के लिए होता है बस कुछ समय की किल्लत होता है, उस वक्त हम लोग ही बड़ा एगोरी में रहते हैं। और इलाज का जहाँ तक सवाल है, डॉक्टर के द्वारा 3 बार राउंड दिया जाता है, कोविड का डॉक्टर कल भी जैसे औचक निरीक्षण किया गया, उस वक्त मेरे को पता भी नहीं था औचक निरीक्षण किया गया, मतलब डॉक्टर जो कोविड वाले थे वो भी प्रेजेंट थे, जो इमरजेंसी में रहते हैं वो भी प्रेजेंट थे, जो SHC में रहते हैं वो भी प्रेजेंट थे, 3 डॉक्टरों को आपको हमेशा अस्पताल में मिल जाएगा। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आनंद शर्मा ने बताया कि ज्यादा मरीजों के होने से ऑक्सीजन की भी कभी कभी दिक्कत होती है। शर्मा ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर 3 बार मरीजों की जांच करते हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टाफ भी मरीजों की हर वक्त निगरानी करते हैं। शर्मा ने कहा कि सदर अस्पताल में अभी 6 वेंटिलेटर चालू हैं। तो स्टाफ सब रहते हैं, मतलब पेशेंट नहीं चाहता क्या है कि बगल में खड़ा रहे, वो तो नहीं संभव, वो कोविड के समय में ये संभव नहीं है। नर्सेज क्योंकि एक बार जो नर्सेज PPE किट पहन के जाती है, अगर 2 घंटा से 2.5 घंटा उनको लगता है कम से कम, उसके बाद आते हुए करीब करीब फेंट कर जाती है, 2-3 नर्स तो हमारी फेंट कर गई। अभी कोई बेड खाली नहीं है, हमारा कैपेसिटी है 50, जबकि हमारे यहाँ 74 पेशेंट है, हमारे पास बेड कहाँ। हम तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी मेरा 6 जो है सो भेंट पर है, भेंट भी हमारा सब भेंट अभी चालू से नहीं हो पा रहा है, 9 हम लोग चालू कर सकते हैं, पर हमारा कार्डियक मॉनिटर उसके साथ मस्ट है, तो कार्डियक मॉनिटर मेरे पास 6 है, वो 6 लगा हुआ है, 2 कार्डियक मॉनिटर OT में है, उसको हम लोग नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि OT में कभी भी जरूरत होगा तो कार्डियक मॉनिटर वहाँ रहना नया जरूरी है, वैसा कुछ देखेंगे ना। सदर अस्पताल में बेहतर होने वाले लोगों को ज्यादा गंभीर मरीजों के लिए बेड खाली करना चाहिए, क्योंकि जिन मरीजों की हालत बिगड़ती है उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है, इसीलिए वक्त रहते इस समय को सुलझाना जरूरी है। पंजाब केसरी TV के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।